तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मयंक। तो स्वागत है आपका इधर नू GTA 5 की वीडियो में। तो गाइज यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो गाइज यार, जैसे कि मैंने बोला था ना कि यार टनल के बीच में पुलिस तो नहीं आती है, और यहाँ पर यार हर तरफ से अपने को पुलिस ने इस टाइम पर घेर लिया है, और ये कह रहे हैं कि जल्दी से तुम तीनों अपना अपना मास्क उतार दो, जो क्रिमिनल है उसको हमारे हवाले कर दो। तो गाइज यार, इतना आसान नहीं है माइकल के हाथ से क्रिमिनल को निकालना, और यहाँ पर हम लोग ना जल्दी से इनकी गेम बजाते हैं। और भाई एक भाई साहब, किसी को भी नहीं छोड़ना, फ्रैंकलिन ट्रेवर तुम लोग भी सबकी गेम बजा के रख दो। तो चल गंजे निकल यहाँ से, अब जल्दी से ना अपने को अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये जो क्रिमिनल है गाइस यार, ये पूछ रहा था कि तुम लोग कौन हो, और हम बोल रहे हैं बेटा तुझे मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, पहले जल्दी से ना हमारे साथ साथ चल। तो चलो यार, अब जल्दी से पुलिस वालों की गाड़ी में तो हम लोग बैठ चुके हैं। और फ्रैंकलिन भाई जल्दी से बैठ जा, देख रहे हो कितनी पतली सी टनल है, और यहाँ पर भाई अचानक से ना पीछे की तरफ ही हमारे लग चुके थे। अब जल्दी से, ओ भाई एक सेकंड, नेट फेंका था मैं, भूल ही चुका था। अब जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी को यहाँ से अपने को लेकर चलना पड़ेगा सीधा बाहर की तरफ, इससे पहले कि और भी ज्यादा स्वैट टीम और पुलिस वाले अपने पीछे आ जाएं। यहाँ पर यार मैं साइरन वगैरह बंद करके चलूंगा, क्योंकि ना गाइस यार पुलिस का जो साइरन है, आपको पता होगा जब भी सड़क पर जाता है वो सबका ध्यान इसी तरफ हो जाता है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं किस साइड को लेकर चलूँ, और ये रास्ता खुला लग रहा है, अब जल्दी से ना मैं यहाँ से भगाता हूँ। और हाँ गाइस यार, वीडियो को लाइक करो गाइस यार, कमेंट भी करना, ये मैं कमेंट्स का 800 कमेंट्स का, और हाँ गाइस यार वीडियो का लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर ना चैनल को भी ना जरूर से ना सब्सक्राइब कर देना, 150K किंगस्टन फैमिली के बहुत ही क्लोज है। तो गाइस यार जल्दी से ना कंप्लीट करा देना, और डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उसको भी जाके फॉलो कर लेना। चलो यार, हम लोग ना यहाँ पर तो आ चुके हैं सीधा लेस्टर के घर के क्लोज। अब जल्दी से ना, ये जो पुलिस वाली गाड़ी है गाइस यार, आपको पता होगा इसके बीच में होता है GPS, तो अपने को ना यार GPS वाली गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेके जानी। और यहाँ पर ना मैं तुक्के से किसी भी घर में आ गया, और देख रहा किसी के भी घर पर हमने पुलिस वाली गाड़ी खड़ा दिया है। और जल्दी से ना ये जो बंदा था ना, इसकी गाड़ी हम लोग चुरा लेते हैं। और एक सेकंड, अगर पुलिस ने ये वाली गाड़ी को ट्रेस करा तो सीधा पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी, और भाई जो भी बंदा होगा ना वो एक बार में तो हैरान हो जाएगा कि मेरे घर पर ये पुलिस वाली गाड़ी क्या कर रही है, और वैसे कौन छोड़ गया, तो पुलिस का सीधा शक उस बंदे पर जाएगा। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना हम लोग ये जो SUV है ना भाई, पता नहीं कौन से ब्रांड की है, इसको लेकर चलते हैं। भाई अब भी एक्सीडेंट होता अपना बच गया है। तो चलो यार, इस टाइम मुझे लग रहा कि अब हम लोग थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि जो पुलिस की गाड़ी है वो हमने किसी और के घर पे खड़ा दिया है, और इस टाइम हमने कोई और गाड़ी को चुरा लिया है। तो चलो यार, अब जल्दी से जैसे ही आप देख रहे हो ना, हम लोग लेस्टर के घर के क्लोज पहुंच चुके हैं। और गाइज यार, मुझे पता है कि आज वीडियो लेट आई है, क्योंकि गाइज यार आज यहाँ पर लाइट का इलेक्ट्रिसिटी कट लगा हुआ था, और मैंने डिस्कॉर्ड पर बताया भी था। और हाँ यार, डिस्कॉर्ड पर बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ना गाइज यार उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पर ना हम लोग डेली बातचीत करते हैं। तो जल्दी से ना फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को भी। से ना ये जो क्रिमिनल है गाइस यार, मुझे लग रहा कि बहुत ही डेंजर बंदा है। देख रहे हो, एक तो पुलिस वालों ने इसके मुंह के ऊपर मास्क डाल रखा है क्योंकि ये कोई रास्ता ना देख ले, पर भाई क्या ही बुद्धू पुलिस वाले हैं, एक तो इसकी आंखें खुली हैं वो सब कुछ देख रहा है। भाई मास्क तो नाम का ही है, पता नहीं क्या मास्क इसको डलवा रखा है। अब जल्दी से ना इसको हम लोग लेकर चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। तो चलो यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, मैंने एक बंदे से पूछा, और वो कह रहा है जो लेस्टर है वो अपने मेन रूम में है। अब जल्दी से, क्रिमिनल है वो भी अपने पीछे आ रहा है, और यहाँ ओ भाई सामने की तरफ है लेस्टर। अब जल्दी से ना इसका हमने काम कर दिया लेस्टर का, और देख रहे हो भाई लेस्टर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपने को ही देख रहा है। और ये फ्रैंकलिन ने भाई उसके जैसा मास्क क्यों डाल दिया, और वहाँ कहाँ गया यार ये? एक सेकेंड गाइस, वो जो क्रिमिनल है वो कहाँ पर गया है? भाई मुझे तो लग रहा ना कि वो यहाँ से भाग चुका है, और एक सेकेंड जल्दी से उसको पकड़ना पड़ेगा। भाई कहाँ पर चला गया? तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, भाई यहां से भागने की कोशिश कर रहा है। बेटा रुक, तुझे तो मैं बताता हूं, अचानक से अभी तो इतनी ज्यादा तेज भाग रहा था, और जब ही मुझे देखा बहुत ही ज्यादा आराम से पीछे की तरफ हाथ करके भागने लग गया, बहुत ही ज्यादा चलाक बन रहा था ना, तो मेरे साथ आ जा जल्दी जल्दी से। भाई क्या बंदा है गाइस यार, जब दो रक्के मारे ना तुम्हारे भाई ने मुंह पर, तब आराम से अपने पीछे पीछे आ रहा है। और यहां पर मुझे लगा कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर इसको लेकर आ रहे होंगे, तो देख रहे हो भाई बंदा बहुत ही ज्यादा चलाक है, तो इसको ना अपने को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो बेटा अगर अब तो भागा, जैसे तेरे कपड़े के कलर हैं वैसे अभी मैं तेरे अंदर से निकाल दूंगा सब कुछ रेड रेड ब्लड। तो चल बेटा, अब जल्दी से अपने पीछे पीछे आ जा। तो चलो यार, फाइनली हम लोग ना इसको लेस्टर के पास लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर लेस्टर कह रहा है कि तुम लोग लेकर किसके आए हो, और जो मेरा बंदा था वो आया कि नहीं आया? तो मैंने बोला हाँ, पीछे की तरफ ही है। तो देख रहा हूँ फ्रैंकलिन भाई सेम मास्क डालकर आ रहा है बिल्कुल, और ये भाई साहब अलग ही चोट में यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे थे।
तो चलो यार यहाँ पर ना फाइनली लेस्टर इसको देख रहा है और लेस्टर कह रहा है माइकल तूने बहुत ही अच्छा काम करा है और यहाँ पर ना गाइज यार क्या सीन है मुझे नहीं पता कि ये क्रिमिनल का लेस्टर क्या करेगा। कहीं यार इसको अपनी गैंग में ना रख ले, कहीं हमें ये हटा दे, कहीं तुम छुट्टी पे जाओ और ये जो बंदा ना इसको मेरे साथ भेज दो। पर ऐसा काम नहीं है लेस्टर का कि तुम लोग ना जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो चलो यार फाइनली हम लोग ना लेस्टर के पीछे पीछे जा रहे हैं और लेस्टर कह रहा माइकल तो उस पर नज़र रख क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा बंदा है। ऐसा इस बंदे में क्या गाइस यार मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, पर लेस्टर कह रहा तो करना ही पड़ेगा। और हाँ अभी हमने देख ही लिया जिस हिसाब से ये भाग रहा था ना यहाँ से, तो भाई रख के कनपट्टी पे दो चार मुक्के बजा दिए तो चुपचाप हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और यहाँ पर ना लेस्टर इसको एक सीक्रेट बेस में ले आया है जो वही यार जहाँ पर हमें पकड़ा था भाई, बहुत ही बुरी चटनी अपनी बनने वाली थी और उसी टाइम पर लेस्टर RPG ले आया था। तो चलो यार अब जल्दी से इसको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और शायद से ना इसको इसी किसी रूम में रखना पड़ेगा, ये तो टॉर्चर रूम है भाई साहब लेस्टर का। तो चलो यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना गाइस अभी मिलिट्री के कर्नल का अपने को कॉल आ चुका है और वो तो अलग ही उड़ता पंछी है भाई, जब भी उसका मन करता है सीधा उठाकर मुंह अपने को सीधा कॉल कर देता है। और यहाँ पर जब हमने उसका कॉल उठाया तो बोला कि जल्दी से तू जहाँ कहीं भी है ना पहले मुझे मिलकर जा और तुझे ना एक बहुत ज़्यादा डेंजर न्यूज़ देनी है। पहले भाई एक तो इतने ज़्यादा खतरे अपने को दे देता है, ऊपर से पता नहीं उसका कौन सी डेंजर न्यूज़ देनी है अपने को। तो ट्रैवर मेरे साथ चल भाई, आज ना उसको मार ही दूंगा मैं कसम से कह रहा हूँ। वैसे मैं ट्रैवर को लेकर नहीं जाता पर यार आज उसको ओ भाई ये क्या सीन हो गया, देख रहे हो भाई मैं क्या मारूंगा, मैं तो पौड़ियों से ही नीचे की तरफ गिर गया था। तो चलो यार अब जल्दी से ना अपने को चलना चाहिए सीधा बाहर की तरफ और जो अपनी गाड़ी है ना यार वो भी इसके घर से लेकर आनी पड़ेगी जो अपनी मर्सिडीज है। तो जल्दी से ना हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और यार फ्रैंकलिन घर पर रहेगा। अगर लेस्टर को उस क्रिमिनल ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो आपको पता है क्या सीन होगा और ये ट्रैवर कहाँ पर ही रह जाता है यार। तो चलो यार ये जो SUV है ना इसको लेकर चलते हैं जल्दी से और बाकी की जो लेस्टर की गाड़ियाँ हैं वो इसने गैरेज के अंदर पार्क कर दिया है। और आपको पता है लेस्टर के पास अपनी वाली निसान GTR है, फरारी है गाइजर, और भी ज़्यादा सुपर कार्स हैं, एक मस्टैंग है जो ग्रीन और ब्लैक रंग का कॉम्बिनेशन के साथ है, वो भी बहुत ही ज़्यादा OP गाड़ी है। और यहाँ पर ना लेस्टर उनको गैरेज में रख देता है और वो कहता ना ये गैरेज पूरा प्रोटेक्टेड है। तो चलो गाइजर जल्दी से ना अपने को सीधा चलना पड़ेगा मिलिट्री के कर्नल के पास और पता नहीं गाइस यार उसको क्या चुल मची अपने से काम करवाने की। और बाकी ना यार उसका जब कॉल आएगा वो कह रहा कि मैं तुझे लोकेशन बताऊंगा या सीधा तुझे मिलने आऊंगा। तो चलो यार अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना गाइस अभी अपने को उसका फिर से कॉल आया और वो कह रहा तू यार मिलने को तो छोड़ और जब तू पूरा काम कर लेगा उस टाइम तुझे मैं मिलूंगा और इस टाइम तू ना एक काम कर, हमारा ना बंदा चोरी हो चुका है जिसके लिए तू काम कर रहा था, जैसे यार हम लोग सबूत वगैरह जिस बंदे के मिटा रहे थे उसी को किसी ने किडनैप कर लिया। अब ये नहीं पता गाइस यार उसको किसने किडनैप कर लिया। अब जल्दी से ना वो कह रहा था कि छोटी मोटी गैंग्स हैं उनका काम लग रहा है क्योंकि CCTV कैमराज वगैरह पे भी देखा कि कोई 8-9 लोग थे और सीधा पुलिस से लड़कर उस बंदे को ले गए हैं। अब पता नहीं गाइस यार मिलिट्री कर्नल बिल्कुल पागल है, एक तो हम लोग उसी बंदे के लिए काम कर रहे थे, पता नहीं उसको कौन चुरा के लेके चला गया। सही है भाई उसको मार ही दे तो सही है, अपने उसके और काम नहीं करने पड़ेंगे। तो चलो यार उसने अपने को बोला कि एरिया की ना जो लॉस सैंटोस की छोटी मोटी गैंग्स है ना एक बार उनके पास जा और उनसे पता कर करा। तो ये तो हम लोग आ चुके हैं लॉस्ट गैंग के एरिया में और ये गैंग तो कहां ही चोरी कर लेगी, ये तो गुड डरपोक है, एक बार इनके जो बॉस है ना जो मेन बॉस है उससे चलकर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देख लो किसी टाइम भाई अपने दुश्मन हुआ करते थे, भाई अभी भी दुश्मन है पर ये अपने से डरते बहुत ही ज्यादा है। तो चलो यार अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे होगे ना ये बंदा कह रहा कि माइकल सर क्या सीन हो गया आप यहां पर हमारे एरिया में, कोई मुसीबत है तो बोलो। हमने बोला मुसीबत नहीं है गंजे, अभी मैं तेरे सिर पर बाल उगा दूंगा, पहले बताओ वो बंदा कहां पर है जिसको तुमने चुराया। और ये कह रहे हैं कि यार सर आप कौन सी बात कर रहे हो, हमें नहीं पता कि बंदा कौन, हमने तो किसी को भी चोरी नहीं करा पुलिस से। और हमने बोला झूठ मत बोलो, देख लो अभी हम तुम्हें मरवा भी सकते हैं। और ये कह रहा सर ऐसा मत करो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो। तो चलो यार इनका काम नहीं है क्योंकि लॉस्ट गैंग तो अलग ही डरपोक है। याद है आपको एक बार हम लोग अपनी डिलीवरी वाली गाड़ियां लेकर आ रहे थे और भाई साहब अपनी गाड़ियां लेकर हमारे पीछे की तरफ लग गए और बाद में तुम्हारे भाई ने जो मशीन गन लेके गेम बजाई इनकी और फिर ये लोग सरेंडर कर चुके थे अपने सामने और फिर भाई भाग ही लिए वहां से दुम दमा कर। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को ये वाला एरिया छोड़कर सीधा चलना पड़ेगा ग्रीन गैंग के एरिया में क्योंकि जो लॉस्ट गैंग है यार ये तो कह रहा है कि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं करा और बाकी जो ग्रीन गैंग है उनसे भी हम लोग लड़ रखे हैं और ये नहीं पता कि गाइस यार वो कैसा बिहेव करेंगे। और वैसे जिनसे अपनी लड़ाई हुई है
बाद में अपनी सुलह तो बिल्कुल भी नहीं हुई, तो जल्दी से ये जो खटारा गाड़ी है पहले ना मैं यार इसको यहाँ पर खड़ा देता हूँ, और ये कूल सी ऑडी है और इसको हम लोग लेकर चलते हैं। और ट्रैवर पे भाई हल्का सा धक्का लगा और ट्रैवर ना सीधा गाड़ी के बीच में घुस गया था। तो चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग ये जो रेड रंग की ऑडी तो नहीं है ये, कुछ भी कह लो यार इसको, यार जल्दी से ना इसको हम लोग लेकर चलते हैं ग्रीन गैंग के एरिया में। और वहाँ पर चल के जो भी उनका मेन लीडर होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, और वहाँ पर आके उनसे पूछते हैं कि बेटा चुपचाप बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो, और तुमने कोई बंदा चुरा है तो बता दो। तो चलो यार अब जल्दी से हम लोग चलते हैं, अगर अच्छी तरीके से बता देंगे तो इनके लिए फ़ायदा है, अगर नहीं बताएंगे तो हमें निकलवाना उसको भी आता है। और यहाँ पर भाई ग्रीन गैंग ना ढोल पीट के पूरी निकलती है अपनी ओ भाई एक सेकंड सर मैं लड़ने तुमसे बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे देखकर तुमने इस टाइम पर गोलियां वगैरह निकाल लिया ना, तो जल्दी से एक सेकंड भाई ये क्या सीन हो गया, इन्होंने अपने ऊपर एम कर लिया। और ये लोग कह रहे हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आने के लिए, और हम बोल रहे हम तो बस बातचीत करने आए थे, और तुम तो बिना बात के गुस्से में हो, अगर तुमने लड़ना है तो बोलो। तो ये कह रहे हमने लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बस यार ये बताओ कि तुम हमें मारने तो नहीं आए। तो भाई क्या टीचर बंदे हैं यार, मैं इनको मारने क्यों आऊंगा, वो भी अगर मारने आया होता तो मैं चुपचाप आता अच्छे बच्चों की तरह इनके मुंह के पास मैं गाड़ी लगाता बिना ही कुछ चले। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को यहां से निकलना चाहिए। और यार ये जो ग्रीन गैंग है भाई अलग ही लेवल की डरपोक गैंग है, अब ये लोग ना अपने से डरते हैं क्योंकि इनको पता है भाई अपनी पावर का, क्योंकि बहुत बार लड़ेंगे लोग। और अब फाइनल जाना है अपने को ना बालास गैंग के एरिया में, क्योंकि बालास गैंग एक इकलौती गैंग है जो किसी भी गैंग से नहीं डरती, और चाहे इनको पता है कि इनसे तगड़ा आगे भी बंदा है ये लोग उससे भी लड़ लेते हैं। तो चल है यहाँ पर तो तुम्हारे भाई पूरी चौड़ में आया है, और देख रहे हो भाई पिस्टल वगैरह इन्होंने पूरी निकाली, और एक सेकंड मार बिल्कुल मैं बात एक सेकंड भाई अब जल्दी से ना इनको बजाना पड़ेगा, मैं तो बात करने आया था। और इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया, तो रुक बेटा तेरा हेलमेट हुलमेट सारा नारियल की तरह मैं तोड़ दूंगा। अब जल्दी से ट्रैवर इनको छोड़ना नहीं है भाई, एक तो मैं पूरे अच्छे बच्चों की तरह गाइस यार आपके सामने मैंने कोई भी गलती नहीं करी, बस यार हल्की सी ड्रिफ्ट मारी है, और ऐसे तो ग्रीन गैंग इनसे ज्यादा समझदार है यार, मैं तो चुपचाप आया और मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर फायरिंग नहीं करनी। सर एक बात सुन लो, ऊपर से मैंने इनको सर बोला, और ऊपर से ये जो नारियल फुड़वाने अपना बैठे हैं ना यहाँ पर भाई सबके ना सिर हिला दूंगा हेडशॉट बजाकर। तो चलो यार अब जल्दी से ना ट्रैवर किसी भी बंदे को नहीं छोड़ना, सबको मारना है, मैं तो भाई क्या ही बताऊँ अब मैं इतने ज्यादा, एक तो मैं इनको सोच कर आया था कि नहीं मारूंगा, अब फिर से दोस्ती बनाएंगे इनमें। इसको देखो भाई ये जो डॉग है भाई इसको तो कोई बांधल बंदर की तरह, कौन इसको छोड़ गया। तो चलो यार अब जल्दी से ना और बंदे आ रहे हैं इनके, तो जल्दी से अपने को बैठ कर निकलना चाहिए। और गाइस यार ये निकलने नहीं देंगे गाइस तक इनके सिर में AK-47 या M4 ना पड़े तब तक यार इनकी बुद्धि सीधी नहीं होती है। और इसको देखो भाई ये भाई क्या एक ओ भाई ये क्या सीन हो गया, देख रहे हो भाई इसने तो जंप करा उसके ऊपर, और उसी समय हमने गन बजा दिया है। अभी अगर उसने काट लिया होता ड्राइवर को तो ड्राइवर उसकी जगह नीचे की तरफ गिरा होता है। पर गाइस यार मुझे बुरा तो लगता है, डॉग्स वगैरह को नहीं मारना चाहिए, पर क्या करें अपने फ्रेंड के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जल्दी से ना अपने को यहाँ से निकलना चाहिए सीधा मिलिट्री के कर्नल के पास, और उसको जाके कह देना चाहिए कि सर मेरी बात सुनो, अब यार हमें क्या पता। और एक सेकंड यार ये तुम्हारे भाई से तुक्के में क्या ही स्किट बच चुकी है, और ये गाड़ी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पर कभी कभी यार ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है। चलो यार वैसे अभी हम बेगॉस गैंग को नहीं मिल के आए हैं, और भी चाइनीज गैंग है, पर यार हमें क्या जरूरत है, हम लोग तो जाके मिलिट्री के कर्नल को बोल देंगे कि हम सारी गैंग्स को मिले आए हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है, पर यार जो मर्जी करी जाए वो खुद ही ढूंढता रहे। और इस टाइम ना अभी मिलिट्री कर्नल से अपनी बात हुई थी, तो उसने अपने को एक लोकेशन पर बुलाया और वो कह रहा है कि जल्दी से आ जा। तो चलो यार फाइनली हम लोग ना ये रेल को फॉलो करते करते ट्रैक को पहुंच चुके हैं सीधा उसी लोकेशन के पास जहां पर मिलिट्री का कर्नल हो सकता है। वैसे कर्नल वर्नल तो कुछ भी नहीं है, वो एक नाम का कर्नल है, आपको पता होगा कि उसकी जो जॉब है हमने छुड़वाई थी। तो देख रो भाई एक सेकंड ये इसने सीक्रेट बेस बना रखा है क्या, अब जल्दी से ना इसकी जो अपनी गाड़ी है यहाँ पर लेकर चलते हैं। और भाई ये ओ एक सेकंड भाई अब ये ड्राइवर को ना कुछ बोलने लगे क्योंकि हम लोग अकेले हैं हर टाइम पर, और मैं भूल ही चुका था कि अपने साथ ड्राइवर भी है, और ये कह रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे किसी और को लेकर आने की। तो फिर हमने बोला यार तू मेरी बात सुन, उसको छोड़, अगर ज्यादा 3-4 करेगा ना अभी बजा दूंगा मैं, भाई जितना हम लोग इससे डर कर रहेंगे ना उतना ज्यादा ही डराएगा अपने को। तो चलो यार फिर ये कह रहा नहीं मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, कोई ये रिवील ना कर दे हमारी इस लोकेशन को। तो हमने बोला भाई ये लोकेशन को क्या रिवील करेगा, हमारा फ्रेंड है भाई हमारा काम करवा रहा है। तो इस टाइम हमने सारी बात इससे कर लिया है, और ये तो कुछ नहीं बोला, बाद में कह रहा चल तू जा सकता है और मैं याद रखूंगा जिस तरीके से तूने मेरे से बात करी है। तो चल बेटा लिख कर बैठ उसको पूरा बैंक में ना जो लिखा खत है उसको जमा करा दे, और तब भी हम तेरी धमकियों से नहीं डरने वाले। अब जल्दी से गाइस यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अपने को क्या करना चाहिए, और अब जल्दी से ना अपनी जो मर्सिडीज
सिटीज है उसको हम लोग लेकर आते हैं जहां पर लास्ट टाइम पर हमने पार्क कराई थी। अब जल्दी से भाई उसी क्रिमिनल के घर के अराउंड जाना पड़ेगा मुझे भाई, पुलिस ना हो। तो चलो यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोगे ना, हम लोग उस बंदे के घर के क्लोज पहुँच चुके हैं और लास्ट टाइम अपनी मर्सिडीज़ ना मैंने आगे की तरफ करी थी पार्क। अब जल्दी से भाई यहाँ पर रोकते हैं अपनी ये जो खटारा गाड़ी है भाई। एक सेकंड यार, ये तो इतनी अच्छी गाड़ी, ओ भाई ये क्या सीन हो गया यार। तो जल्दी से ना भाई, मुझे ना पहले अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करना है। और एक सेकंड, ये क्या फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं अपनी मर्सिडीज़ के साथ? तो देख लो जिस बंदे की शायद ये, ओ भाई जिस बंदे का घर है ना ये भाई, फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहा बेटा, तूने ले रखी है, चल निकल यहाँ से। देख लो भाई जैसे इसी की गाड़ी होती है, और निकल यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे इसको टच करने की, और तू कैमरा फ्लैश मार रहा है, तो चल निकल यहाँ से जल्दी से। और एक सेकंड, ओ भाई निकल बेटा अब यहाँ से। मुझे ना लगा कि ड्राइवर ने अपने जड़ दिया पीछे से, और ड्राइवर भी यहाँ पर ना बॉक्सिंग वगैरह करने शुरू हो चुका है। और इस टाइम भाई ड्राइवर भाई पीट दे, किसी को भी नहीं छोड़ना। एक तो अपनी गाड़ी के ऊपर ही लेट कर भाई क्या पोज मार रहा था, और आके एक कनपट्टी पर पड़ा, पूरा मुंह ही इसका हिल गया। तो चल निकल यहाँ से। तो चलो यार अब जल्दी से ना अपने को यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आ जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आती लॉस सैंटोस के बंदों की। देख रहे हो चुपचाप गाड़ी खड़ी है, और आके पूरा पोज वगैरह पता नहीं गाइस यार कब से मार रहा होगा, और ये सोच रहा होगा कि इसने सपने में ये गाड़ी खरीद लिया है और आ जाना ये इसको चलाएगा। भाई क्या सीन है भाई, क्या ही सीन है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपनी मर्सिडीज को हम लोग लेकर चलते हैं। और भाई इसके लिए हमने ये वाली खटारा ऑडी को छोड़ दिया है जो कि ओरिजिनल नहीं है। अब जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं, और भाई अब तो मैं पूरा भगाने वाला हूँ। और चलते हैं सीधा लेस्टर के पास, क्योंकि ना लेस्टर भाई वो पता नहीं क्रिमिनल का क्या करेगा। मुझे यार एक तो लेस्टर का भी कुछ भी समझ नहीं आता, वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो पैसे के लिए। तो चलो यार अब जल्दी से अपनी मर्सिडीज को आज इतने दिनों के बाद पूरी तरीके से भगाएंगे। एक तो मैं लड़ाई में इसको ना बहुत ही ज्यादा खट लेकर जाता हूं, अब तो यार बहुत ही ज्यादा कम हो चुका हूं यार इसको लेकर जाना, क्योंकि आपको पता है हर बार बैन इसकी मॉडिफाई करता है और वो भी बेचारा तंग हो जाता है। तो चलो यार अब जैसे आप देख ही रहोगे ना, हम लोग ना लेस्टर के घर के क्लोज पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से अपनी मर्सिडीज को करते हैं अंदर की तरफ। और एक तो मुझे डर लग रहा है जब मैं लेस्टर को कॉल कर रहा हूं वो कॉल उठा ही नहीं रहा है, और ऊपर से भाई कहीं क्रिमिनल ने सबका काम तो नहीं कर दिया। और यहां पर ओ भाई निसान GTR खड़ी है, मतलब कि जिमी आया हुआ है। अब जल्दी से भाई ड्राइवर जल्दी से आ जा, कहीं यार जिमी ने भाई इसको पीट उठ तो नहीं दिया, क्या पता यार जिमी को उसने पीट दिया हो। और यहां पर ये आंटी जी यार कपड़े उपड़े पागल हो क्या, धूप सेक रही हो। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को अंदर की तरफ चलना चाहिए। और यहां पर भाई हम लोग चलने वाले हैं सीधा उसी सीक्रेट बेस पर। और भाई एक तो फ्रिज के अंदर कौन एक्सपेक्ट करेगा कि फ्रिज के अंदर एक सीक्रेट बेस भी हो सकता है। तो सही में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, और यार ये मैं देखकर पूरा हैरान हो चुका था। और एक सेकंड, ओ भाई जिमी ने तो यहाँ पर उसके ऊपर एम कर रखा है। और जो क्रिमिनल है भाई, ये ऐसा लग रहा है एक फ्री फायर का कैरेक्टर है, उसका नाम जरूर से बता देना कमेंट करके भाई। एक पूरा लग रहा है उसके ऊपर मुंह के ऊपर ना जोकर का मास्क होता है। और लेस्टर कह रहा है यार ये ना बिल्कुल भी कुछ बताने पे नहीं आ रहा, और इन्होंने इसको बहुत ज्यादा पीट लिया। अब ये हमें भी लेस्टर बता रहा कि इससे क्या पूछना है, और मुझे लग रहा कि ये बात जिमी को पता होगी। जिस हिसाब से ना जिमी एम उम करके उसके मुंह के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा कुछ। तो चलो यार अब चल देते हैं ना, लेस्टर उससे बातचीत कर रहा है, तब तक हम लोग ना यहां पर वेट कर लेते हैं। हाँ तो गाइज यार यहाँ पर ना हमने इतनी ज़्यादा वेट कर लिया है, और उसके बाद भाई ये जो क्रिमिनल है भाई अभी तक कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला है। और यार देख उसको पीट पीट के बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। और जिमी तो मुझे भाई बच्चा लगता था, और जिमी ने जो उसको बैट लेकर पीटा है, और ये नहीं देख रहा कि माइकल उसके पीछे खड़ा है, तब भी भाई साहब लगा ही पड़ा उसको पीटने में। और यहाँ पर ये एक भी अक्षर नहीं बोला। और हम जब लेस्टर से पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ है इससे पूछनी, और ये कह रहा मैं बताऊँगा जब टाइम आएगा। तो और एक शैडो देखो भाई क्या ही अच्छी लग रही है। अब जल्दी से ना लेस्टर ने को एक काम बोला है, और लेस्टर कह रहा है कि वो काम अभी मुझे करवाना है, तो वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ट्रेवर भाई जल्दी से मेरे साथ आ जा, और हम लोग अब एक और काम कर लेते हैं। एक तो पूरी जिंदगी ना ऐसा लगता है कि काम ही करते करते निकल जाएगी, और पैसा भी हम लोग कमाते हैं, पर यार सीधा ज्यादा उड़ाते ही आपको पता ही होगा। और इस टाइम गाइस यार हम ना जाने वाले हैं रात के टाइम, क्योंकि ना अब रात हो चुकी है, तो अपने को अपनी मर्सिडीज उठानी है। और जिस बंदे ने लेस्टर को बोला था इस क्रिमिनल की जान बचाने के लिए पुलिस से, और लेस्टर कह रहा है कि यार एक बात सुनो माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर और जिमी, जिस बंदे ने मेरी लोकेशन पता करके और मुझे उसने बोला ये क्रिमिनल के बारे में, और क्या पता वो कुछ दिमाग लड़ा रहा हो, तो अपने को ना आज ही उसको गेम बजानी है। और वो कह रहा कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल दिया है, और एक तो तुम्हारी टीम में, और ऊपर से मुझे चाहिए पैसे, और क्रिमिनल को भी मुझे मिलना है। तो ड्राइवर बोल रहा है भाई उसको मैं मिलवाता हूँ आज, मुझे बस लेकर चल उसके पास, क्योंकि ना गाइस यार ऐसे अपने अगर लोकेशन रिवील हो गई है ना, तो पुलिस वगैरह स्वैट टीम FIB कभी भी रेड कर सकती है अपने घर के ऊपर। और यार फिर अपने को लेस्टर ने बोल दिया कि
लॉजिकल एक काम कर, उसको चुपचाप गाड़ी में बिठा और यार उसको जैसे मर्जी खत्म करो। तो चलो बाकी का काम तो मेरा है और जो पूरी स्क्रिप्ट है वो तो मैंने ही लिखी है ना, मतलब बंदे को मारने की। अब जल्दी से भाई यहाँ से भगाते हैं अपनी गाड़ी को और जल्दी से ना हम लोग उस लोकेशन के क्लोज पहुंच चुके हैं जहां पर वो बंदा हो सकता है। और देख लो रात के टाइम ट्रैफिक होती है पर इतनी नहीं होती है, गाड़ी को भगाने में तो अलग ही मजा आता है पूरी ट्रैफिक के बीच में। और गाड़ी हो यार ऐसी मर्सिडीज जैसी, और एक तो अपनी जो निसान GTR है उसका कलर ऐसा है ना लो सेंट, उसका हर एक बंदा उसको देखता है। और भाई क्यों यार ना देखे, क्योंकि अट्रैक्टिव इतनी है, रेड लाइट नीचे से उसकी नियॉन कलर्स जैसी लाइट्स हैं और ये रेड लाइट्स भी हैं। तो चलो बंदे की जगह हम पहुंच चुके हैं और भाई साहब ये खड़ा हुआ है और इसको हम लोग कहते हैं सर एक काम करो, आपको पैसे चाहिए ना तो मैं पैसे अब देता हूं तुम्हें। और ओ भाई ये सारे लो सेंट उसमें गंजे क्यों हैं? तो चलो भाई अब ये कह रहा है कि जल्दी से ना सर अब मेरी गाड़ी चलाओ और मुझे ना पूरे $40 मिलियन दो। मैंने उस क्रिमिनल के बारे में बताया और मैं इससे पूछता हूँ यार कि वो क्रिमिनल में ऐसी क्या खास बात है जिसके तो $40 मिलियन पे कर रहा है और वो भी तूने हमें बताया और हमने बचाया उसको और उसके बदले में भी तू $40 मिलियन पे कर रहा है। डॉक्टर ने अपने को बोला था कि ये उससे पैसे मांग रहा है और ये तो उल्टा ही कह रहा है कि यार मैं पैसे देता हूँ, पर यार क्या सीन हो रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को इसको लेकर चलना पड़ेगा, इसको सीधा मौत के घाट उतारना पड़ेगा। और ड्राइवर तू मेरा बस पीछे पीछे फॉलो कर मेरी वाली गाड़ी लेकर। तो चलो यार अब जल्दी से ना इसको मैं लेकर चलने वाला हूँ माउंटेंस पर। तो चलो यार हम लोग ना बहुत ज़्यादा आगे की तरफ तो आ चुके हैं इस भैया जी को बिठाकर, और यहाँ से ना तुम्हारा भाई इसको सीधा ना समझ रहे हो क्या करने वाला है, इसकी गाड़ी के समेत इसकी भी बलि चढ़ा देगा यार। भाई मेरा मतलब है इसको ना पूरी तेज भगाकर हम लोग इसको पानी के बीच में फेंक देंगे जहाँ तक मेरा प्लान है, और अगर ये पॉसिबल हुआ तो सही में भाई यही प्लान हो जाएगा पूरा। तो चलो यार अब जल्दी से इस गाड़ी को भगाते हैं। और एक सेकंड ये आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही है गाइस यार? तो चलो यार जो भी हो देखा जाएगा, वैसे गाड़ी की स्पीड अच्छी है, हैंडलिंग परफेक्ट ज़्यादा नहीं है। तो अब जल्दी से ना इस गाड़ी को भगाकर चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर। और हाँ गाइज यार मैंने ना कई समय से प्लान करा कि मैं अब GTA ऑनलाइन के लाइव स्ट्रीम्स वगैरह भी करूँ। एक तो जब भी मैं करने को सोचता हूँ ना भाई साहब उस दिन या नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है या तो फिर FPS ड्रॉप हो जाते हैं। तो चलो यार यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और देख रो भाई यार फाइनली हम लोग इसको लेकर आ चुके हैं। अब जल्दी से ना पूरी गाड़ी भगाऊंगा और मैं कर जाऊँगा यहाँ से सीधा जंप। तो भाई अब जल्दी से करते हैं यहाँ से। ओ भाई एक सेकंड यहाँ से नहीं कर सकते, अब थोड़ा सा ना इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। और भाई ये पूछ रहा है कि ये लोकेशन पर मुझे क्यों लेकर आए हो? मैंने बोला रुको जरा सबर करो, अभी तुम्हें मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ और ना पैसों की पूरी बारिश होगी। और ये बंदा भाई भोंदू लग रहा है मुझे और ये पूरा हाँ पे हाँ भर रहा है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना इसको पूरे इसका जैक पॉइंट ही मैं यहाँ पर पूरा ना लगा देता हूँ। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना गाड़ी को भगा के हम लोग करते हैं यहाँ से जंप। और एक सेकंड भाई ये बेबलेट क्यों बन चुकी है? और देख रो भाई वो जो बंदा ना गाड़ी के बीच में से उतर तो चुका होगा जहां तक मुझे लग रहा है, पर मैंने जो बैक डोर था वो पूरा बंद कर दिया था। और यहाँ पर देख रो फाइनली ब्लास्ट हो चुका पूरी गाड़ी के बीच में, तुम्हारे भाई ने स्टिकी बॉम्ब फिट कर दिया था और उस बंदे को तो खुद ही नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हो चुका है यहाँ पर। तो चलो गाइस अब जल्दी से जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे होगे ना भाई लाइक जरूर ठोक देना। अब जल्दी से अपनी लेस्टर और ट्रेवर से बात हो चुकी है। तो एक सेकंड भाई मुझे लगा कि ये अपना काम करने वाला है यहाँ पर। और देख रो भाई कभी कभी तो ट्रेवर पे भी शक होता है। अब जल्दी उतर मुझे ड्राइव करने दे। और यहाँ पर भाई इतनी ज्यादा जिद कर रहा था ना, कह रहा मैं चलाऊंगा, तो मैंने बोला बेटा तू जल्दी से ना पीछे की तरफ खिसक के बैठ जा सीट पर, नहीं तो साइड वाली सीट पर बैठ जा, ड्राइव तो आज तेरा भाई करेगा। तो चलो यार यहाँ पर ना अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास। और एक तो जो मिलिट्री का कर्नल है उसका किस्सा अलग ही सुलझाना पड़ेगा, वैसे काम तो अपने को ही करना पड़ेगा उसका। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार वो कौन बंदा है जो गायब हो चुका है और किस गैंग ने उसको गायब करा है। जहां तक मिलिट्री का कर्नल कह रहा है कि 8-9 लोगों ने उसको गायब करा है और पुलिस से लड़ाई करके, और मुझे भाई कुछ नहीं समझ आ रहा। एक तो उसी बंदे के लिए हम लोग लड़ रहे थे और वही गायब हो गया। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना यहाँ एरिया से बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर भूत वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और यार मैंने आपको पहले दिखा रखे है भूत तो मुझे पता गाइस यार एक चुड़ैल है यहाँ पर पहाड़ पे आती है, हो सके तो फिर से चलेंगे। तो चलो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को जरूर जाकर लाइक कर देना, लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का, चैनल पूरा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो, 1,50,000 के किसी फैमिली करा दो भाई जल्दी से। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो यार मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।